मम्मी ने यहाँ पे आज बनाई है चावल की मीठी मीठी खीर। तो चलिए चलते मम्मी की रसोई में और पूछते हैं मम्मी ने ये खीर कैसे बनाई है। और वेलकम बैक टू आवर चैनल मम्मी की रसोई। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। यहाँ पे आज मम्मी बनाने जा रही है खीर। जी हाँ, सबको ही पसंद होती है मीठी मीठी खीर। सबके यहाँ ज्यादातर, हमारे यहाँ भी यही माना जाता है कि खाने के बाद अगर किसी को मीठा कुछ परोसना है तो या तो खीर बनती है या कोई सूजी का हलवा बनाता है। तो ये डेजर्ट में सबके यहाँ, हमारे यहाँ भी इसको काफी अच्छा माना जाता है और काफी शुभ माना जाता है। जब कुछ त्योहार भरा होता है तो मीठे में खीर या सूजी का हलवा ही बनाया जाता है। तो चलिए फिर मम्मी से पूछते हैं कैसे बनाई जाती है चावल की खीर। नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता ही है, सावन शुरू होने वाला है और सावन में खीर का बड़ा महत्व होता है। तो भोलेनाथ को जो भोग लगता है वो चावल की खीर का ही लगता है। तो बस मैंने सोचा आज मैं खीर बनाती हूँ चावल की, तो देखते हैं उसके लिए हमने क्या क्या सामान लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी चावल है, ये बासमती चावल का ये टुकड़ा जो आता है वो है ये। इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो लिया था धो के ये। और ये है चीनी, आप चीनी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जैसा भी आप खाते हैं, कम मीठा ज़्यादा मीठा उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ी सी मैंने बादाम ली है, किशमिश और 2-4 इलायची ली है जिसमें मैं कुटकी डालूंगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध है, ये उबाल दिया हुआ दूध है। इसमें मलाई भी इसी में है, बस इसमें मैं 1 बॉयल रोल दूंगी क्योंकि ये ठंडा हो चुका था, इसे 1 उबाल रोल दूंगी जिससे ये सब इसमें मिक्स हो जाए मलाई और दूध। तो ये खीर बड़ी टेस्टी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ईजी होती है बनानी। और जैसे सामान आने वाला है तो उसमें तो ज़्यादातर खीर बनती ही बनती है चावल की। आपने देखा होगा मंदिरों में भंडारे में ज़्यादातर चावल की खीर बनती है और भोलेनाथ को उसका भोग लगता है और सबको बांटा जाता है उसका प्रसाद। तो मैंने सोचा आज ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ चावल की खीर की हम कैसे बना सकते हैं। तो ये इसमें ज़रा उबाल आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इसमें 1 उबाल आ चुका है। अब इसमें हम ये इलायची जो मैंने कूटी है वो डाल देंगे। छिलका निकाल के आप बेलन से या किसी भी चीज़ से आप ये दाने कूट सकते हैं थोड़े से। अब ये जो चावल भीगे में है इसका हम पानी निकाल के ये चावल इसमें डाल देंगे। आँच हमने कम कर दी है, इस टाइम मम्मी ने फ्लेम कम कर दी है। और जब आप खीर बनाए तो आप एक बात का ध्यान रखना है, आपको आपको जिस भी बर्तन में आप खीर बना रहे हैं वो बर्तन की जो तली होगी वो भारी होनी थोड़ी चाहिए। भारी होनी चाहिए जिससे आपका जो खीर है या दूध है वो नीचे लगे ना, चले ना। अब इसमें 1 उबाल देके हम फिर से गैस को कम कर देंगे और बीच बीच में खीर को चलाते रहेंगे जिससे वो नीचे ना लगे। इसे बनने में कम से कम अभी 1 घंटे के करीब, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा बनने में। अभी मम्मी ने फिर से इसकी फ्लेम तेज कर दी है। अभी 1 उबाल फिर से हम इसमें देंगे, फिर फ्लेम कम करके इसको हम पकाने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 1 उबाल आ जाए फिर मैं इसकी फ्लेम कम कर दूंगी। इधर हमने ये किशमिश को भिगो लिया है, ये आधा 1 घंटा भीगी रहेगी, इसकी खटास भी निकल जाएगी। और बादाम काट लिया हमने थोड़ी सी, ये बारीक बारीक करके हमने बादाम काट लिए। और ये सबसे लास्ट में डालेंगे हम चीनी भी, बीच में नहीं डालनी है, बाद में डालनी है। तो हम इसको 1 घंटा भीगने के लिए छोड़ देते हैं। अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी मखाने की खीर की, आप वो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनी थी मखाने की खीर। आप कोई सी भी खीर बना सकते हैं, चावल की, मखाने की। और सावन के सोमवार में तो बहुत इसका महत्व होता है, तो आप इस बार ज़रूर बनाइएगा। एक उबाल आ जाएगा फिर हम इसे कम फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। तो हम इस पर ढक के पकाना है या कैसे? ढक भी सकते हैं आप, ऐसी कोई वो नहीं है बात, ये तो आप खुला छोड़ दीजिए, बीच बीच में से चलाते रहिए। तो फिर देखते हैं, मिलते हैं हम जब हमारी खीर ये पक जाती है। देखिए खीर पकते हुए 1.25 घंटा हो गया, हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। देखिए चावलों को मैंने चला चला के घोट लिया था, आपको ऐसे घोटना है चावलों को, बीच बीच में आप चला चला के ऐसे घोट लीजिए, नहीं तो वो खड़े खड़े रह जाएंगे चावल, आपको घोटने पड़ेंगे। हल्का हल्का आपको ऐसे मैश करते रहना है, ऐसे चला चला के आप मैश कर लीजिए। देखिए चावल हमारे कम थे, दूध ज़्यादा था, देखिए कितने हमारा जो पक चुका है दूध बिल्कुल आधा रह गया। अब गैस बंद करके हम इसमें डालेंगे चीनी।
क्योंकि अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं तो उसका खीर का फटने का डर रहता है। अगर आप एकदम से डालेंगे चीनी तो जब गैस बंद कर दें, जब आप इसमें चीनी डालें, आपको गैस खोल के नहीं डालनी वरना ये खीर का फटने का डर रहता है, क्योंकि ये चीनी से अभी थोड़ी पतली भी हो जाएगी खीर, बिल्कुल गाढ़ी होगी। तो देखिए चीनी डलती है, पतली हो गई, पर रखे रखे ये गाढ़ी हो जाएगी। इतना बिल्कुल ठीक है खीर का, ऐसी होनी चाहिए ये, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। अभी ये रखे रखे ठंडी होते होते और गाढ़ी हो जाएगी और ये चीनी खुद ही घुल जाएगी, क्योंकि गर्म है खीर, तो ये चीनी खुद ही अपना आप घुल जाएगी। आपको फ्लेम ऑन करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको चला लेना है बस एक बार ठीक से, जिससे वो सब में मिल जाए और घुट जाए चीनी। कितना अच्छा इसका पक पक के कलर आ गया, धीमी धीमी आज पे हमने पौन घंटा लग गया इतनी खीर बनाने में। ज़्यादा बनाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप ज़्यादा दूध के और ज़्यादा चावल के बनाते हैं तो आपको डेढ़ दो घंटा आराम से लगेगा। इतनी खीर में आपको एक से पौन घंटा लग जाएगा आराम से। देखिए 2 मिनट लगे चीनी को घुलने में, इसमें घुल चुकी है क्योंकि गर्म थी खीर। तो अब हमारी खीर पूरी तैयार हो चुकी है, ये खीर हमारी तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर से मम्मी ने डाल दिया किशमिश, निचोड़ के डाल दिए, इसका पानी मम्मी ने निचोड़ के डाल दिया था। और अब हम ऐसे अपने सारे बादाम इसमें डाल देंगे, इसमें हम सारे ऐसे करके सारे बादाम, आप और भी कुछ डाल सकते हैं जो भी जो सभी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है, पिस्ता वगैरह कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। हमारी खीर तैयार हो चुकी है, हमारी चावल की खीर कितनी अच्छी बनी है, कितनी अच्छी लग रही है। तो आप भी बनाइए और हमें बताइए आपको ये छोटी सी रेसिपी कैसी लगी चावल की खीर की। ये थी आज की छोटी सी रेसिपी जिसमें मम्मी ने आपको बताया कि आप चावल की खीर कैसे बना सकते हैं घर पे। आई होप आपको आज की वीडियो, आज की रेसिपी मम्मी की पसंद आई हो। अब हम जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।